हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस मीन्स जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस दिस एक्स, वेयर ये जो सिंबल बना हुआ है इसको इसने कुछ रिप्रेजेंट किया क्या? दिस सिंबल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, क्लियर। और हमें इस फंक्शन को क्या शो करना है? डिसकंटिन्यूअस शो करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स मींस इंटीजर पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं कि ये मॉड एक्स मींस है क्या। मॉड एक्स मींस जैसे समथिंग मैंने लिखा 1.1, क्लियर। तो इट मींस कह रहा है कि 1.1 के लिए हमें कोई इंटीजर लिखना है लेकिन लेस देन, इससे कम होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, तो हम 1 लिख सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही मैंने लिख दिया 1.99, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे 1। ऐसे एग्जांपल लेंगे 2 - 0.001, क्लियर। तो 2 में से इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1.999, क्लियर। तो इसको भी हम 1 लिख सकते हैं, क्लियर। तो याद रहे किसी भी इंटीजर में से कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इंटीजर, इट मींस जैसे 2 था, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा, ओनली 1 आएगा, क्लियर। तो ये समझ में आ गया आपको। फिर देखो ऐसे समथिंग 2 + 0.001 मैंने लिख दिया, तो इसमें भी जब आप ऐड करेंगे, इसमें जब आप ऐड करेंगे 2 प्लस, तो इट मींस 2 प्लस 2.001 आ जाएगा। तो इसके लिए भी 2 ही ले सकते हैं क्योंकि इससे ग्रेटर इंटीजर नहीं ले सकते। अब ये चीजें जब समझ में आपको आ गई तो हम यहां हम एक कोई एक इंटीजर सेलेक्ट करते हैं जो 0 की तरफ टेंड करता है, उसमें h भी है जो 0 की तरफ टेंड करता है। अब हमने क्या किया, ये जो डिफाइन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने a माइनस h लिख दिया। a हियर एनी इंटीजर, मैंने कहा एक इंटीजर है, और h क्या है, h एक बहुत माइन्यूट वैल्यू है जो 0 की तरफ टेंड करती है। तो जब हम किसी इंटीजर में से कोई भी छोटी सी छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उस इंटीजर जैसे 2 था समथिंग, और जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया तो वो 1.99 हो जाएगा। तो समथिंग जो 1.99 हो जाएगा तो उसमें इंटीजर 1 तो हुआ, इट मींस इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जस्ट इसके एग्जांपल की तरह से, ठीक है। तो इसमें a इंटीजर हुआ तो a में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जैसे यहाँ 2 प्लस किया तो वो तो जो इंटीजर था वही रहेगा सेम, 1 प्लस h इज इक्वल टू a लिख दिया, क्लियर। समझ में आपको आ गया होगा क्योंकि ये एग्जांपल ये हो गया, ये इसके लिए हो गया। तो मुझे इसी रूल का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो चलो आ जाओ देखते हैं इस क्वेश्चन में मैंने क्या सेलेक्ट किया। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ये कंसीडर किया, लेट a बिलोंग टू इंटीजर, क्लियर। तो हम इसी पॉइंट a के लिए ही सेलेक्ट करना है, तो मैंने लिया या एक मिनट ऐसा लिख दिया, लेट x इज इक्वल टू a बिलोंग टू इंटीजर्स, क्लियर। सो टेकिंग इसी पॉइंट पर मुझे अब फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, सॉरी gx, यहां gx दिया हुआ है। सो लिमिट h टेंड टू 0, ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि a x की वैल्यू किस में टेंड कर जाएगी, अब a माइनस h, ओके। सो लिमिट h टेंड टू 0 एंड हियर a माइनस h, सो राइट a माइनस h एंड माइनस a माइनस h। स्टूडेंट आपको मैं यहाँ बता चुका हूँ a माइनस h को इस रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1, तो इसकी वैल्यू पहले लिख लो, लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h एंड माइनस a माइनस 1, क्लियर। सो लिमिट h टेंड टू 0, या आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, a माइनस 0 माइनस a प्लस 1, सो a कैंसिल आउट, only here 1, so left hand limit is equal to 1. Now right hand limit, limit x tend to a plus gx, clear। तो स्टूडेंट ये नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली, मैं लिख रहा हूं, अच्छा तो लिख देता हूं लिमिट h tend to 0 g a plus h, clear। So write here limit h tend to 0 a plus h माइनस ए प्लस एच। ए प्लस एच के लिए आपको डिफाइन कर चुका हूं ओनली ए, कैसे वो भी समझा चुका हूं। सो लिमिट एच टेन टू 0, सॉरी ओनली ए, क्लियर। सो यूजिंग वैल्यू ए प्लस 0 माइनस ए, सो ओनली 0। सो फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स this function
इंटीग्रल पॉइंट्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल अ राइट हैंड लिमिट, ठीक। हेंस फॉर ऑल इंटीग्रल पॉइंट गिवेन फंक्शन जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूटी, ये और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो हमने ये इस तरह से दिखा दिया कि मैंने कोई इंटीग्रल पॉइंट सेलेक्ट किया था और दिखा दिया उस इंटीग्रल पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल राइट हैंड। इट मीन्स ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट के लिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व कर सकते हैं, 21 हम चेक करते हैं, ठीक। तो 21 क्वेश्चन में मुझे कुछ फंक्शंस दिए हैं एफ एक्स, जैसे उसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। ए पार्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बी पार्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, सी पार्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, क्लियर। तो हमें इन सब फंक्शंस को क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस के लिए चेक करना है या देखना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, क्लियर। तो हम चूंकि स्टूडेंट इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया, हाँ इस क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ रूल हम जान लेते हैं कि जैसे बताया जाता है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो इट मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन इनके लिए एक रूल है, रूल क्या है कि जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ sin x plus cos x एक ही फंक्शन दोनों को बनाया गया, तो भाई दोनों का रेंज इट मीन्स जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ हम sin x के लिए देखते हैं, इसका आपका डोमेन सॉरी x की वैल्यू जो डोमेन होती है sin x की वो क्या होती है sin x के लिए, और एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें से पहले, तो जो एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बाकी आप कर सकते हैं। sin x का डोमेन क्या होता है, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये इसमें आपका क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। वैसे cos x के लिए, खैर r रियल नंबर के लिए होता है, पूरी स्क्वायर रूट के लिए cos x के लिए क्या होगा, 0 टू पाई होगा, ठीक। तो इट मींस हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों को मर्ज करके कोई एक ही इसमें साइन में या तो कन्वर्ट कर लेंगे या तो cos में कन्वर्ट कर लेंगे, क्लियर। तो उसके बाद हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि इनका इंटरवल फिर अलग अलग हो जाता है, इनका डोमेन अलग अलग हो जाता है। तो हम दोनों को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन एक्स का जो कॉफिशियंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो हियर कॉफिशियंट ऑफ साइन एक्स इज 1 एंड प्लस कॉस एक्स के भी कॉफिशियंट का स्क्वायर करते हैं, और क्या हमारा आ गया, रूट टू आ गया, क्लियर। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, यहाँ क्या लिखा, साइन एक्स के कॉफिशियंट का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स के कॉफिशियंट का स्क्वायर। जब अलग अलग कोई कॉस और साइन तो अलग अलग आते हैं, दोनों को मर्ज करके एक ही बनाना होता है साइन या कॉस, तब हम ऐसा ये काम करते हैं। अब यहाँ जो आया है उसी में इसको कन्वर्ट करना है, इट मीन्स मैंने क्या किया कि रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट टू से डिवाइड कर दिया। सो स्टूडेंट इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि अभी हम अगर ये मल्टीप्लाई कर दें तो सेम वही चेंज मिल जाएगी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसी एक ही फंक्शन में, इट मीन्स रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन और कॉस दोनों में चेंज कर सकते हो, चलो कॉस में चेंज करना है तो 1 अपॉन रूट टू को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई फोर एन प्लस 1 अपॉन रूट टू को क्या लिख सकते हो, पहले कॉस एक्स लिख दो, इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई फोर। तो ये जो वनक आपका फंक्शन जो हो गया कन्वर्ट जो हो गया साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो ये जो फंक्शन हो गया कन्वर्ट हो गया आपका एक्स प्लस पाई बाई। अब इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, कंटीन्यूअस दिखाना है, ऐसे सेकंड वाला भी करेंगे और थर्ड वाला भी करेंगे, क्लियर। तो चलो हम देखते हैं, तो हमें मैंने कंसीडर कर लिया लेट ए बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियर, किसी भी रियल नंबर के लिए शो करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने ली लिमिट x टेंड टू a माइनस fx, क्लियर। सो लिमिट x टेंड टू 0, स्टूडेंट अब हम ये चीज नहीं लिखेंगे, अब अगले वाले इसमें हम डायरेक्टली ये लिखेंगे s tend to 0, अगर लेफ्ट हैंड होगा तो डायरेक्टली माइनस करके लिख दिया करेंगे f a माइनस h, क्लियर। सो
ये लिमिट एच टेन टू जीरो दिस ए माइनस एच सो रूट टू साइन एक्स मीन्स ए माइनस एच प्लस फाइव बाई फोर। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो कि यहाँ कोई ऐसी चीज एस टेन टू जीरो पुट करने पर कोई चीज ऐसी तो आ नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर तो चाहिए। तो क्या आ गया लिमिट एस टेन टू जीरो, या थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो एजर विस, तो रूट टू क्लियर। और यहाँ जो आपका आ गया एस टेन टू जीरो, सॉरी लिमिट लिखने की जरूरत नहीं क्लियर। और यहाँ आपका हो गया ए माइनस जीरो प्लस फाइव बाई फोर, सो हियर रूट टू साइन ए प्लस फाइव बाई फोर। सेम ऐसे जब आप राइट हैंड के लिए फॉलो करते हो, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो लिखते हो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो। देखो स्टूडेंट मैंने कहा था अब ये वाला पोर्शन एक्स टेंड टू ए प्लस इसमें लिखेंगे, फिर एफ एक्स एरिया लिखेंगे, तो मैं ये पोर्शन डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ प्लस हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के लिए बस। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच, क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। तो लिमिट एच टेन टू जीरो, यहां सेम एक्स को रिप्लेस कर देंगे जिसमें ए प्लस एच एन प्लस फाइव बाई फोर, क्लियर। सो राइट हियर लिमिट एच टेन टू जीरो रूट टू एन साइन, सॉरी लिमिट हटा दो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ए प्लस जीरो एन प्लस फाइव बाई फोर, सो हियर आल्सो रूट टू साइन ए प्लस फाइव बाई फोर, दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब हम डायरेक्ट वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है एफ ए, सो हियर रूट टू साइन ए प्लस फाइव बाई फोर। सो स्टूडेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग टू रियल नंबर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हियर एफ ए, ठीक। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, क्लियर। तो हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। बी वाला पार्ट भी सेम ऐसे कर सकते हैं, हाँ सी वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। जैसे इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक। तो इसमें आप क्या करेंगे कि साइन एक्स कॉस एक्स के लिए एक आपको एक फॉर्मूला होता था याद होगा, टू साइन ए कॉस बी, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते थे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कन्वर्ट करते। तो इसको सबसे पहले यहाँ टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो जब आपने टू से डिवाइड करे तो इसमें फॉर्मूला आप एक फॉलो करते थे, वो फॉर्मूला होता था साइन आपका ए प्लस बी, या साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ डायरेक्टली, क्या लिख सकते हो साइन टू एक्स लिख सकते हो। अब साइन टू एक्स के लिए आप फाइंड कर सकते हो, क्लियर समझ में आ गया ना। तो ये बी वाला सेम था लेकिन सी वाला थोड़ा सा चेंज था, तो उसमें टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करना होगा। ओके स्टूडेंट ये भी समझ में आ गया होगा। ओके okay?